बदल दूं और करीना को हमेशा के लिए भूल ही जाऊं तो अरे वहां पे तो मैं करीना से मिला दूंगी ना, तुम खुश हो जाओगे और तुम मुझे पॉपस्टार बना दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। वाओ डियर, ये सोच रही थी कि आरजे करीना ने कुछ गलत नहीं किया है। देखो मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्यार को किसी भी झूठ के सहारे से पाया नहीं जा सकता। तुषार का प्यार तो पा लिया है, बस अब उसका भरोसा जीतना बाकी है। श्रीमान पराठा जी, आपको चखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हम आपको ना गटक जाएंगे। अरे पार्टनर, हम हैं करीना। काफी नीलू जी के स्टाइल में परांठा छीन दिया, हम तो घबरा ही गए थे। अरे पार्टनर, पराठा छोड़िए, ये देखिए। अरे वाह लड्डू, नीलू जी के राज में इतने सारे लड्डू। अरे नीलू जी के राज में नहीं, आपकी होने वाली बहू करीना के राज में। मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं सबके लिए। अब वैसे भी मैं कल शिफ्ट कर रही हूँ ना। शिफ्ट हो रही है? कहाँ शिफ्ट हो रही है? कोई खुश हो कोई दुखी हो, आपसे क्या, आपको तो सिर्फ लड्डू से मतलब है। कितने खाए? अभी पहला लड्डू मुंह में डाला ही था। दो मिनट, पहले इनसे निपट लूं मैं। तो करीना जी, आप शिफ्ट होने के बारे में कुछ कह रही थी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। मैडम, कल हमारी दादू से बात हुई थी, हमने उन्हें सब कुछ बता दिया, हमारा मन भराया था। अच्छा, मन भर गया तो सब उड़ेल दिया दादू पर? क्या बोले? बोले नहीं, रोए। वो तो होगा ही, अब पोती की डिवोर्स की बात सुनकर तो वो रोएंगे ही। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हमसे कहा कि मैंने तुझे हमेशा हिम्मत से और इज्जत से जीना सिखाया है। मर्दों की इस दुनिया में कभी झुकना मत, कभी डरना मत और कभी किसी का सहारा मत ढूंढना। वाह, क्या विचार है दादाजी के। बिल्कुल आपके जैसे। एक बार फिर मिलूंगी उनसे। हाँ मैडम, जरूर। हमने कहा उनसे कि हम चमत्कार में रह रहे हैं और वो क्या, वो फिर रो पड़े। काय बोलते? कहने लगे हमारी शिक्षा भुला दी, सहारा ढूंढा। नहीं नहीं, तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि मैंने। हमने कहा मैडम, हमने कहा कि आइडिया आप ही का है मैडम। फिर? और बोले कि उनसे कहना कि उनकी पोती अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है, उसका साथ देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना सहारा खुद बने और किसी और का सहारा ना ले, इसीलिए अकेले रहे। इसीलिए मैडम हम जा रहे हैं। ठीक है, अब दादू की इच्छा है तो मैं क्या करूँ। कब जा रही है? कल सुबह 7-8 बजे तक चले जाएंगे हम मैडम। वैसे आप और टिल्लू घर में हैं तो रौनक रहती है घर में। मैडम हम कहाँ दूर जा रहे हैं, ऑफिस तो रोज आना ही है। अरे ये सब क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम? आंटी मैं मुंबई जा रहा हूँ, वो प्लान अभी बना है, मैं आपको बताने वाला था कि। अच्छा, बैग वैग सारे पैक कर लिए और अब बताने वाले थे। हाँ, कहीं हमारी कोई बात तो तेरे को बुरी नहीं लग गई? कैसी बात? मतलब कोई भी बात। वो हम लोग ने तुम्हें पूछा था ना तुम्हारी मम्मी के बारे में। अब शादी के बारे में? ओ हाँ, अच्छा अच्छा वो बात। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने उस दिन कहा था ना कि जब तक आप बड़े हैं मुझे शादी की कोई फिक्र नहीं है। आई एम श्योर
आप लोग मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ही लेंगे। मतलब हम जिस लड़की से कहेंगे उससे तू ब्याह कर लेगा? हाँ कर लूंगा। सोच ले पुत्र। सोच लिया माँ, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। अब चाहे वो मुंबई की हो या चंडीगढ़ की, या फिर रेडियो करी की हो या रेडियो मस्ती की, उस घर की हो या इस घर की, आप जिस पे भी उंगली रखेंगे ना मैं उसी से शादी कर लूंगा। अरे कोई फुलके खिलाएगा? बापू मुझे लगता है प्रेम की तो अब हाँ है। अब सवाल सिर्फ करो करेंगे। मॉम और बूजी, आप लोग मेरे लिए हर समय आइडियल पेरेंट्स रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। मैंने जिंदगी में जो करना चाहा, आप लोगों ने हर वक्त मुझे करने दिया। आप लोगों को आरजे करीना पसंद नहीं थी? आरजे करीना? नो यार, नो। मॉम के सामने अगर आरजे करीना का नाम लोगे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगी। यू नीड टू से समथिंग डिफरेंट, समथिंग नाइस। मैंने जिंदगी में जो करना चाहा, आप लोगों ने मुझे कभी मना नहीं किया। अब मेरी शादी के बारे में आप लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी नो मैन, नो, दिस इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। ओके मॉम, बूजी, मुझे करीना से शादी करनी है। Straight and simple. That's the way. That's the way. Yes. करीना जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? इंकलाब यहाँ से जा रही? पीके जी, मैं जा रही हूँ मिसेस करीना सूद बनके, मगर लौटूंगी मिसेस करीना पांडे बनकर। तुम यहाँ क्या बैठी हो? जाओ जाकर टिल्लू को लेकर आओ। करीना जी, हमारी बात का जवाब कहाँ नहीं दे रहे हैं आप भाई? अरे पीके जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे हम सिर्फ चमत्कार भवन छोड़कर जा रहे हैं, चमत्कार डिटर्जेंट नहीं। और वैसे भी आपकी और रजनी की शादी देखे बगैर हम कैसे जा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? पीके जी, प्यार क्या तो डरना क्या, आप जल्दी से शादी कर लीजिए। अब आप भी ना, आपको मालूम है हम यहाँ कहाँ आए? अभी आपसे ये कहने कि आप यहाँ से कहीं ना जाइए। पीके जी, आप भी, वैसे जब भी आपको लगे कि आप अपना घर बसा लीजिए, जल्दी से बसा लेना, सोचिए मेरे बात के बारे में। करीना जी, हमको मालूम है आप बहुत चालाक हैं, पता है, फट से टॉपिक चेंज कर देती हैं। हमारी दुआ है आपके साथ बचवा, कहीं भी रहो खुश रहो। मुझे करीना से शादी करनी है, स्ट्रेट एंड सिंपल। तुषार, क्या बात है? कुछ कहना है? हाँ, नहीं। अरे अभी कह रहे हो कि करनी है बात, अब कह रहे हो कि नहीं करनी है, क्या बात है? वो मैं कहना चाह रहा था कि बुक बहुत अच्छी है आपकी। अरे खाक अच्छी है, सब उल्टा पुल्टा लिखा है। कहते हैं साइकोलॉजी माओं के लिए लिखा है कि बच्चों के मन की बात कैसे समझी जाए। अब ये किताब वाले मुझे समझाए कि बेटे के मन की बात कैसे समझू? हो सकता है कि कभी कभी मॉम अपने बच्चे की बात इतनी कभी कभार इतनी अच्छी तरह ना समझ पाए। तो ऐसे में बच्चे को खुद आकर कहना चाहिए। वही तो कहना चाह रहा हूँ। कुछ कहा? नहीं, वो भाभी जी, भाभी जी। अरे पीके जी, इतनी रात को? पीके जी, इनकी टाइमिंग भी हमेशा गलत होती, अब मैं इनके सामने मॉम के साथ करीना की बात कैसे करूं? हाँ तुषार बेटवा, तुम्हारा ना गलत मौके पे आए गए हो।
तुमका देखते ही हमारी सारी हिम्मत फुस हुई गई। सोच कर आए थे कि घर बसाने की बात आज करा ही डालेंगे भाभी जी से, और तुम हो कि सारा टाटा फिस कर दियो हमार प्रोग्राम। कुछ कहना है? वो भैया जी को ढूंढ रहे थे हम बड़ी देर से, मिले नहीं तो उनका यहाँ देख लेते हैं। किताब बड़ी अच्छी पढ़ रही है आप भाभी, बढ़िया किताब। अरे जो आता है मेरी किताब की तारीफ करता है, आज सबको हो क्या रहा है? कहो तुषार क्या कहना है? कुछ नहीं, गुड नाइट। अरे तुषार अब आपको क्या कहना है? नहीं कुछ नहीं, गुड नाइट। चलो अच्छा है, कल यहाँ से चली जाऊंगी और फिर एक नया रास्ता ढूंढूंगी इस घर में आने के लिए। सीमा खान, सीमा जागो, सीमा खान मारो एक पंच। सर फोड़ देंगी का? अरे पार्टनर आप इतनी रात गए, क्या हुआ? अरे आपसे बात करने आए थे। इस वक्त दिन में तो आपसे बात करने का मौका मिला नहीं। नीलांबरी जी अभी अभी साइकोलॉजी पढ़ के सोई हैं, तो हम इधर आ गए आपसे बात करने। पार्टनर मत जाइए, मत जाइए। देखिए एक मकसद था जिसके लिए आई थी, अभी वो मकसद पूरा कहाँ हुआ है? उसी मकसद की खातिर यहाँ से जाने का फैसला किया है। मतलब? तुषार पांडे कोई हलवा नहीं है, यूं उठाया और खा लिया। पता है तुषार हलवा नहीं है, हमार बबुआ है। हाँ हाँ बबुआ तो है, मगर झूठ से नफरत करने वाला और इस झूठी से प्यार करने वाला, और नीलांबरी देवी टाइग्रेस का सुपुत्र। सॉरी मगर आप इतनी सारी बातें कैसे भूल सकते हैं? अरे सब जानते हैं। नहीं लेकिन मुझे इतनी सारी मुसीबतों से जूझने के लिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मारो एक लात खींच के। क्या कह रही है ये, लात मारेगी का? नहीं नहीं ये सिर्फ नींद में बड़बड़ाती है, लेकिन उठ भी सकती है नींद से। आप यहाँ से जाइए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है। ओ करीना, 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 साथ साथ लंच करना, एक साथ वॉक पर जाना। I miss you so much. आज तो यही आखिरी बार वॉक पर तो जा सकता हूं। अलोन सर। यस। सही तो है, मेरी नींद उड़ा के मैडम खुद सो रही है, सोने नहीं दूंगा तुम्हें। नो तुम्हारे लिए नहीं, मैडम जी सो रही हैं तो मुझ पे फूल बरसा जा रहे हैं। दाई आंख मैडम पे तो बाई आंख मुझ पे। What? नहीं नहीं धीरे बोलो, मैडम जी सो रही है ना, ये सब मैं बताऊंगी नहीं उन्हें सच्ची। मैं चलता हूं। सुनो तो सवेरे सवेरे किसको फोन कर रही है पुत्र? करू को बाबू जी, उसे भी तो पूछना है ना प्रेम के बारे में, उसका क्या ख्याल है। ओहो क्या कसम। अरे तुसी की कर रहे हो बाबू जी? ना तुसी की कर रहे हो, पापा ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती हैं। पर बाबू जी, पुत्र तुम तो करीना को जानती हो, शादी ब्याह की बातों से तंग आकर
वो चंडीगढ़ छोड़ के मुंबई चली गई है। अब वहाँ भी यही बातें सुनेगी तो नाराज नहीं हो जाएगी वो? पर बाबू जी बात तो करनी है ना। हाँ बात तो करनी होगी लेकिन फोन पर नहीं, हम बात करेंगे आमने सामने। ठीक है बाबू जी। मुंबई एंड म्यूजिक वर्ल्ड, हियर आई कम। करीना एंड माय वर्ल्ड, हियर आई कम। थैंक्स। फॉर व्हाट? अरे डील है भाई, तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं। नो थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, तो मैं चलो। आहा हा, जूहू लेना। मैडम अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, कोई बात की परेशानी हो तो उन परेशानियों का सामना करेंगे, ऐसा हमारे दादू कहते हैं। ओ। बस एक ग्लास छूट बोलूं तुषार से बात करने के लिए, प्लीज। क्या हुआ? मोबाइल। मैडम हम मोबाइल कमरे में भूल गए हैं, अब चलिए हम अभी आते हैं। मॉम मेरी मीटिंग है, तैयारी करनी है, चलता हूँ, बाय। अरे वो करीना जा रही है, उसे बाय तो कहो। आप लोग हैं ना, देख लीजिए, मैंने तो बाय बोल ही दिया, चलता हूँ, बाय। चलिए चलिए चलिए। हाँ। अरे भैया सामान डालो टैक्सी में। बहुत हिम्मत का काम कर रही है ये करीना। अरे कैसे हिम्मत, ये तो होना ही था। अरे चुप हो जा बेटे, बहुत रो रहा है। नहीं होगा चुप, अब वो आएगी बेचारी दौड़ती हुई। नो 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 नो, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। इस बेचारी करीना की जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी, उदासी भरी। नो नो नो, चुप हो जा, चुप हो जा। नो 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 नो, अरे कहाँ रह गई ये करीना? सुनिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। करीना मैं देखती हूँ। अरे I'll miss you lot. I like you. I like you too. I love you. अरे कहाँ हो करीना? मॉम को उधर ही रोकना, ओके? बाय। मिल गई मोबाइल? जी मैडम। चलो चलो, देर हो रही है। चलो। नीलू जी और करीना कहाँ रह गए भाई? आ जा आ जा। बहुत दंदनाते हुए चले आ रहे हो, क्या हुआ? अरे कुछ बोलेंगे भी या नहीं, क्या हुआ? बहुत ही हुआ, अब हम खिचड़ी हमसे नहीं बन रही है, अब नहीं बनाएंगे खिचड़ी। हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे? अरे क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? रोज रोज भाई खिचड़ी बनाओ, एक ही काम करो, अकेले खिचड़ी हाथ जलाओ, अब हमसे हुई नेरा, बहुत थक चुके हैं। बहुत ही हुआ भाभी जी। पीके जी ऐसी बात है तो यहाँ आकर खाना खाइए। बात खाना खाने की नहीं है भाभी जी, वैसे भी महीने में 20 दिन तो यहीं खाते हैं। वो कहा कि उस दिन खाना खाते वक्त आप कहे थे ना कुछ, वो जब वो खेल खेल रहे थे ना, वो घुमाए वाला, वो ऐसे ऐसे वाला, क्या नाम है वो खेल का? ट्रूथ एंड डेयर। वही वही उस दिन भाभी जी आप कुछ कहे थे, अरे वही रजनी जी के बारे में कहे थे ना कि आप ओ शादी करना चाहते हैं। खिचड़ी हमसे अब नहीं बनेगी। अब मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या जवाब दे रहे हैं आप? जो आप पूछ रही हैं ना
ये उसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है पीके, तुम्हारी अम्मा से हम बात कर लेंगे और रजनी के घर वालों से नीलू जी बात कर लेंगे। सच्ची? ठीक है करूंगी। धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि अब बहुत ही हुआ, अकेले जिंदगी अब कटती नहीं। अब समझ में आता है कि सही में। थैंक यू भाभी जी। वेलकम वेलकम पीके जी। तो क्या कह रही थी आप? अरे भाई नीलू जी, आप क्या सोचने लगी? अरे नहीं, सोच रही हूँ कि क्या वाकई अकेले जिंदगी काटना इतना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत होता है अकेले जिंदगी काटना। अब ये देखो ना, एक आदमी के लिए ही इतना मुश्किल है तो बेचारी करीना क्या करेगी, कैसे काटेगी अकेली जिंदगी, है ना? अकेली जान, ऊपर से एक छोटा सा बच्चा, कब तक बेचारी अकेली खिचड़ी पकाएगी? हाथ जलेगा ही, हर रोज खिचड़ी बनाते बनाते एक दिन तो तंग आ ही जाएगी ना। क्यों ना करीना के भी दूसरी शादी करवाई जाए? मुझे तो लगता है यही सही है, करीना की दूसरी शादी करवा ही देनी चाहिए। सही बोलते हैं।